एवरीवन, दिस इज उज्मा एंड वेलकम टू अर्शीज चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत यूनिक सी रेमेडी। ये उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी होने वाली है, स्पेशली ये उपटन स्प्रे ब्राइड के लिए भी है और उन लड़कियों के लिए भी अच्छा है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती बार बार फेस पैक को बनाना और अपने ऊपर अप्लाई करना। तो यही सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज मैं उपटन स्प्रे लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो ब्राइड भी यूज कर सकती हैं और अदर गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं जो बहुत बिजी रहती हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो लेट्स बिगिन। हाँ, तो जो मैं बनाने वाली हूँ उसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसे आप टोनर बोल सकते हो, सीरम बोल सकते हो, क्रीम बोल सकते हो या फिर आप इसे लिक्विड स्किन वाइटनिंग भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ले लेना है 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, मींस रेड लेंटिल। ऐड कर दीजिए 2 टेबलस्पून चावल, मींस राइस। यहाँ ले लो खड़ी कच्ची हल्दी, ये बहुत अच्छा वर्क करता है आपके स्किन वाइटनिंग के लिए क्योंकि ये प्योर होता है। बट अगर आपके पास नहीं है या फिर अगर आपको नहीं मिले तो आप पाउडर हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसे पील ऑफ कर लीजिए और आपको एक टुकड़ा हल्दी का डाल देना है। ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून ओट्स। ओट्स एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा क्योंकि ये एक्सेस ऑयल को ख़त्म करता है, रिमूव करता है, आपके डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है, एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है। यहाँ ऐड कर दीजिए 1/2 लेमन, ठीक है। फुल आपको छिलकों के साथ लेमन को यहाँ ऐड करना है क्योंकि मुझे सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लेंड करनी है। इसके जूस के साथ साथ मैं इसके छिलके को इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। इसमें सिट्रिक एसिड और विटामिन ज़्यादा हाई अमाउंट में होने की वजह से आपके स्किन को जो डार्क हो गई है वो ब्राइट करता है। ऐड कर दीजिए 1 पैकेट ग्रीन टी की। ग्रीन टी आपके डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने का काम करता है, ब्लेमिशेस को रिमूव करता है और ग्रीन टी आपको एक बेटर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ब्लेंडर में डाल देना है। अब इसमें आपको 1 कप पानी ऐड करना है और इतना पानी ऐड करना है जिससे कि ये जो दाल है आपको दिख रहा है वो पूरी डूब जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ एक कॉटन क्लॉथ लिया है जिसे आपको अच्छी तरीके से इसे छान लेना है। ये जो लिक्विड उपटन में बना रही हूँ ये आप स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हो फ्रिज में। देखो ये कोई पैक नहीं है, ये कोई मास्क नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि ये जो लिक्विड है वो आपको डेली यूज़ करना है, ठीक है। आप डेली यूज़ करो और डेली आपको 2 टाइम्स यूज़ करना है, एक आप रात को यूज़ करो, एक आप मॉर्निंग में यूज़ करो। अब मैं आपको इसे डेली क्यों यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल्स ऐसा नहीं है जो आपके फेस को हार्श करे, ठीक है। ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म में रहेगा या फिर आप इसे क्रीमी फॉर्म में भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो बस इसीलिए मैं आपको यूज़ करने के लिए डेली कह रही हूँ क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ मैंने 1 वीक के लिए लिक्विड उपटन को रेडी कर लिया है और जो ये आपको दिख रहा है, मतलब जो मैंने छान कर रखा हुआ है यहाँ पर, तो उसे आप क्या करना, फुल बॉडी पर इससे स्क्रब करना। आपका एक ही दिन में ये फिनिश हो जाएगा या फिर आप फेस पे भी स्क्रब कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर दो। हनी मैं यहाँ इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी स्किन को फुल्ली मॉइस्चराइज करेगा। यहाँ ऐड कर दो 3 टेबलस्पून रोज़ वाटर। अच्छा, आप 3 टेबलस्पून रोज़ वाटर ले रहे हो तो 3 टेबलस्पून नॉर्मल वाटर भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। मैं यहाँ 3 टेबलस्पून वाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे क्रीमी फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटरी फॉर्म यहाँ पे कर रही हूं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसे स्टोर कर देना है कोई भी एम्प्टी कंटेनर में। मेरे पास ये कंटेनर है तो मैं इसमें स्टोर कर दे रही हूँ। अगर आपके पास पंप वाली कंटेनर है या फिर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें भी स्टोर कर सकते हो। अगर आप स्प्रे बॉटल में स्टोर कर रहे हो तो इसे और भी ज़्यादा आपको वाटरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसे आपको रोज़ अप्लाई करना है 2 टाइम्स, मॉर्निंग और नाइट दोनों में। तो जब आप इसका एक लेयर अप्लाई कर लोगे, मतलब अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करो तो 1 लेयर आप अप्लाई करो, फिर जब वो ड्राई हो जाए तो आप 2nd लेयर अप्लाई करो, जब वो ड्राई हो जाए तो 3rd लेयर अप्लाई करो, ठीक है। बहुत ईजी है इसे अप्लाई करना भी, और जब ये ड्राई हो जाए तो इसे सिंपली वाटर से हल्के हाथों से मसाज करके वॉश कर लेना है। तो ये आप ज़रूर बनाना क्योंकि इसे बनाकर आप रख दोगे 1 वीक तक, तो ये आप 1 वीक तक डेली 2 टाइम्स आप यूज़ करो और रिजल्ट आपको खुद नज़र आ जाएगा 3 to 4 डेज में ही। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।